आज की हमारी कहानी है सास बहू का कर्तव्य। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में दो सास और दो बहुएं थी। सास बहू के बीच अनेक विवाद और मतभेद होते थे। पहली सास बड़ी अदालती और स्वाभिमानी थी। वह हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती रहती थी और बहुओं पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करती थी। वह खुद को परिवार की मुखिया मानती थी और इसका उपयोग अपनी अधिकारवादी और दबावपूर्ण सोच के लिए करती थी। दूसरी सास आदर्शवादी, समझदार और धैर्यशील थी। वह समझती थी कि परिवार में सबका सम्मान करना और सभी को एक साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। वह अपनी बहुओं के साथ मिलकर उनकी मान्यताओं और सुझावों का सम्मान करती थी। पहली बहू शांतिपूर्वक अपनी सास के साथ काम करने का प्रयास करती थी, परंतु सास उसे अधिकार और आदेशों की भूमिका देना चाहती थी। इससे वह परेशान हो जाती थी और घर के माहौल में दबाव महसूस करती थी। दूसरी बहू समझदारी और समाधान निकालने के लिए साथ मिलाती थी। वह दिल से सास के साथ मिलकर उसकी सहायता करने का प्रयास करती थी और विवादों को सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। धीरे धीरे पहली सास ने समझा कि उसका अधिकारवाद और दबावपूर्ण सोच न केवल उसकी बहुओं को दुख पहुंचा रहा है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को भी। उसने स्वयं को समझाया और अपनी सोच में परिवर्तन किया। इस बीच दूसरी सास और बहू ने प्रेम और सम्मान के आदान प्रदान के माध्यम से समझौते करना सीखा। वे एक दूसरे की मान्यताओं को समझते और सम्मान करते थे और परिवार में शांति और खुशहाली का माहौल बनाने में सफल रहते थे। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सास बहू के बीच सहयोग, समझदारी, सम्मान और प्रेम की भावना होना चाहिए। यह संघर्षपूर्ण संबंध अगर समझौते और आपसी समझदारी के माध्यम से सुलझ जाए तो परिवार में सदैव खुशहाली और समृद्धि की अनुभूति हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।